साफ तौर से पूरी तरीके से ढंग से हम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो लोगों को रास्ता कैसे दिखाई देता होगा, इस चीज को गौर करिए। नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की अंधेरी कोठरी से रूबरू कराएंगे। ये गाजियाबाद का खोड़ा इलाका है, फ्लाईओवर के नीचे को अंधेरी कोठरी कहते हैं। आखिर क्यों इसे अंधेरी कोठरी कहा जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं इसे अंधेरी कोठरी का नाम आखिर क्यों दिया गया है। नाम बताइए। माही शर्मा। क्या दिक्कतें होती है इस रास्ते पर चलने पर रात में? पुलिस बाहर खड़ी होती है, जबकि पुलिस को अंदर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। अंधेरा यहाँ पे है ना, अंधेरा तो यहाँ पे है, वहाँ पे पुलिस खड़ी है। या तो यहाँ पे लाइटें हो, या फिर यहाँ अंधेरे में पुलिस खड़ी हो, अगर किसी के साथ, लेडीज के साथ कुछ गलत हो तो तुरंत पकड़े जाए, है ना। तो फिर वहाँ खड़ी होती है पुलिस, या वहाँ अभी देखो पुलिस वहाँ पे खड़ी है। वहाँ पे खड़े होने का क्या मतलब, यहाँ पे खड़े हो, अब आप सब देखो कितने इकट्ठे हो गए हो। अभी कुछ लड़की के साथ या औरत के साथ कुछ हादसा होगा, कोई भी कहीं भी घसीट के ले जा सकता है। कुछ पता चलेगा पुल के नीचे क्या हो रहा है? नहीं पता चलेगा। तो या तो यहाँ पे लाइटें लगवाओ, या फिर पुलिस वालों को यहाँ पे खड़ा करवाओ। छेड़छाड़ होती है महिलाओं के साथ? बहुत होती है, मोबाइल छीने जाते हैं, फोन छीने जाते हैं, गाली गलौज भी होती है, और धक्का मुक्की किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, सौ बातें होती हैं। यहाँ पे पुल के नीचे अंधेरा कितना भी, आपने जैसे हमसे रोक के हमसे बातें की, इससे पहले कुछ और भी हुआ हो तो हमें नहीं पता। देखो हम क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ हैं, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि जो अकेली आती हैं, जॉब करती हैं, लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, अकेली आएंगे जाएंगे, कोई भी वहाँ पे कोने में ले जाएंगे, इसके पीछे वहाँ देखो चिल्लाएंगे, मुँह दबा लेंगे, तो क्या करेगी औरतें फिर बताओ? फिर हादसे क्यों ना हो, रेप क्यों ना हो फिर? तो इसीलिए पुलिस वालों को या तो ये कहें वहाँ से हट के यहाँ पे उन्हें खड़ा होना चाहिए, फिर यहाँ पे लाइटें वाइटें लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको अंधेरी कोठरी का नाम यहाँ के लोगों ने दिया है। बिल्कुल अंधेरी कोठरी है यहाँ पे। अंधेरी कोठरी है ऐसा। नाम बताओ। संजय राघव। क्या दिक्कत होती है? आप आखिर नहीं करोगे यहाँ पर शाम को जो ना दारू पीने वाले हमारी बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ पर। हाँ, आप यहाँ जैसे अभी निकल रहे हैं, अभी थोड़ी और लेट निकलेंगे, क्या हमारी बहन बेटी तो आएंगी भाई काम करके, और यहाँ पर दारू पी पी के ना बैठ जाएंगे और छेड़खानी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। हाँ, पुलिस वाले की जिप्सी देखो अभी है नहीं, वहाँ लगी रहती है, उनका ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है यार। हाँ, पुलिस वाले कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते हैं तो यहाँ पर काहे को टेंशन पैदा होती। तुम काई भी लेडीज को रोको, हर लेडीज से ही कहेगी कि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो अंधेरा है, सबसे मेन बात है अंधेरा है। क्या नाम है भैया? ये नाम बताइए। धर्मवीर। अच्छा बताइए यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें होती है? भैया बहुत दिक्कतें समझ लो, यहाँ इतनी दिक्कत है कि मतलब रात को जो कह रहा है लड़के मोबाइल छीन लें, और जो कह रहा है छेड़छाड़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो कह रहा है ये लोग जो यहाँ खड़े रहते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं, मोबाइल छीनते हैं और पैर छीन लेते हैं, जो भी आती है बेचारी जो कह रहा है छीन लेते हैं। हाँ छीन लेते हैं, बिल्कुल छीन लेते हैं वो। हाँ जी, सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुरक्षा दी जा रही है महिलाओं को। यहाँ उजाला है, पुल के नीचे उजाला है, बदलाव पुल के नीचे तो आदमी छीन ही लेगा। अंधेरा कायम, अंधेरा अंधेरा है पूरे अंदर, बदलाव कोठरी है, अंधेरी कोठरी है ऐसा। कोई मारते आदमी को, आदमी को मारते, आदमी को मारते, इसमें बदलाव क्या हो रहा है? इसमें आदमी को मारते हैं, जब बच्चों के मोबाइल छीन लें, बेचारे आमे काम करके वो इनका मोबाइल छीन लें, पैसे छीन लें उनके, उनको मार दें, ये तो बदलाव क्या करेगा आदमी? जब ये लाइट का भी विश्वास कुछ ना आया पे, लाइट हो तो आदमी निकल तो जाएगा आराम से। बहुत दिक्कतें, दिक्कत इतनी है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है पुल के नीचे। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, नौकरी पेशा करने वाली महिलाएं, उनका साफ तौर से कहना है कि इस अंधेरी कोठरी से सरकार को उजागर में तब्दील करना चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? वीरू। रात में दिक्कत होती है यहाँ से? यहाँ तो बहुत छीना चोरी होता है, मोबाइल आए दिन किसी ने को चोरी होती रहती है। हो जाती? हाँ, बहुत चलते चलते छीन के भाग जाते हैं यहाँ पे। चोर आ जाते हैं? चोर नहीं, लड़के रहते हैं, उल्टे सीधे लड़के रहते हैं, छीन के भाग जाते हैं। तो बहुत बहुत बार हादसा देखा मैंने यहाँ पे, मगर गवर्नमेंट ऐसा कि एक लाइट लगाने को राजी ना हो यहाँ पे। अंधेरी कोठरी है? अंधेरी कोठरी, मगर एक लाइट होना चाहिए ना रोड पे, तो ऊपर साइड में 10-10 लाइट है, एक भी लाइट नहीं। ये भी तो आप देखो, सब लोग एक चोर का अड्डा है, एक तरह का चोरों का अड्डा है। 10 बजे के बाद कोई लेडीज आदमी निकल नहीं सकता है, इतना वो हो जाता है, उल्टे सीधे लड़के आते हैं, छीन छोर के भाग जाते हैं।
क्या करोगे, किसको पीछे करोगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। साफ तौर से तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर अंधेरे में जो स्कूल जाने वाली या फिर नौकरी पेशा करने वाली जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो इन्हीं रास्तों से आने जाने के लिए मजबूर होती। यहां पर और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी बातचीत करने का हमारा प्रयास होगा किस तरीके से इस अंधेरी कोठरी से गुजरना होता है। देर रात का समय होता है तो लोग यहां से डर डर के कदम बढ़ाते हैं, फ्लाईओवर के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं उनके पैर कांपने लगते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अगर रात के 11 बज जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इन रास्तों को क्रॉस कर जाए। यहाँ पे चैनें भी खींची जाती हैं, यहाँ पे लूटपाट भी होती है, यहाँ पे मतलब लेडीजों को खतरा रहता है, हर चीज से खतरा है। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। अंधेरी कोठरी, बिल्कुल अंधेरी कोठरी है यहाँ पे। देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं साफ तौर से इनका कहना है कि ये अंधेरी कोठरी यूपी की अंधेरी कोठरी फ्लाईओवर के नीचे है। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका है जहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के महिलाओं से हमने बातचीत की, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और आपको दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ पर देख सकते किस तरीके से पत्थर लगे हुए हैं, इनके बीच में जगह बनी हुई है। महिलाओं का कहना है कि यहीं पर मुँह दबाकर लड़कियों को खींच लिया जाता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उन्हें यहीं का शिकार बनाया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर से देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है, नेशनल हाईवे के नीचे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, स्नैचिंग होती है, फोन छीने जाते हैं, छेड़छाड़ की जाती है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दूर दूर तक सुरंगे टाइप की दिखाई दे रही, पुल के नीचे यहाँ पर लोग अव्यवस्था महसूस करते हुए नजर आते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करूंगा, जानूंगा क्या दिक्कतें होती हैं। बताइए क्या दिक्कतें हैं। की दिक्कत है कि भाई साहब नौ बजे के बाद 10 बजे के बाद यहाँ से आने में हमें भाई साहब डर लगता है। क्यों लगता है कि भैया हमारे पास पैसा रहता है, फोन रहता है, हर चीज़ है और हमसे सबसे बड़ी हमारी जान है, कोई मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। अंधेरे का टाइम है भैया, कोई भी मार सकता है यहाँ पे। तो हमारा ये कहना है भैया यहाँ पे लाइट लगानी चाहिए, बस बहुत दिक्कत है। हाँ सर, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है। अभी देखो यहाँ आए दिन कांड होते रहते हैं, कभी लड़की को छेड़ दिया, कभी मर्डर कर दिया। अभी देखो राम सिंह, दिक्कत ये है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है और आने जाने में लेडीजों को भी दिक्कत हो जाती है, छेड़छाड़ भी होती है, छीने झपटी भी होती है। हाँ क्या मतलब पीसीआर जो वहाँ खड़ी होती है वो यहाँ खड़ी है, जब तो कम से कम नेका तो डर रहेगा, लेकिन नहीं उनको कोई मतलब नहीं पड़ेगी छीनने के कि हाँ कोई भैया वो पुलिस वाला खड़ा है सामने, खड़े हुए। देखिए किस तरीके के, ये गाजियाबाद का खोड़ा इलाका है, फ्लाईओवर के नीचे हम मौजूद हैं। इसको अंधेरी कोठरी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न लाइट है न ही किसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर पुलिसकर्मी की बात की जाए जिनको ये कमान दी गई सुरक्षा व्यवस्था की, वो यहाँ से काफी दूर खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं जहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही, अंधेरी कोठरी है साफ तौर से, पूरी तरीके से ढंग से हम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो लोगों को रास्ता कैसे दिखाई देता होगा, इस चीज को गौर करिए और समझने का प्रयास करिए। हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन इन रास्तों पर कैसी सुरक्षा, देर रात 10 बजे के बाद इन रास्तों पर छेड़छाड़ होती है, शराबी यहां बैठकर शराब पीते हैं, उसके बाद बहन बेटियों को छेड़ते हैं, यहीं पर नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, फोन छीने जाते हैं, कई घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। ये वही रास्ता है जहां पर इन घटनाओं को कारित किया जाता है। देख सकते हैं किस तरीके से अंधेरी कोठरी से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं, महिलाएं मजबूर हैं, पैदल चलकर आती हैं, हाथों में फोन होता है, बैग होता है और बैग में कुछ पैसे होते हैं जिनसे वो किराया लगाकर पहुंचती हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं हैं, नौकरी पेशा करने वाली महिलाएं हैं, लड़कियां, उनका साफ तौर से कहना है कि पूरी दिक्कतों का सामना करना होता है। ये अंधेरी कोठरी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल दूसरे एपिसोड में हम आपको और भी चीजों के बारे में बताएंगे किस तरीके से यूपी में, गाजियाबाद में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी कोठरी है, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, कैसी कैसी घटनाओं को कारित किया जाता है। कैमरामैन महेश के साथ NTV निष्पक्ष, गाजियाबाद।